बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैका या सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूल रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या ज़ौजत अलीन अल अमीर अल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या उम्मुल अइमतिल मासूमीन या फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ाकरा सैयदा रबाब कमल। टाइम चैनल की पूरी टीम के साथ आपको जनाब सैयदा के विलादत बा सआदत के अय्याम में और इस ख़ास प्रोग्राम में, जिसका नाम हमने रखा है बज़्मे जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन, खुश आमदेद कहती हूं और दुआ करती हूं कि परवरदिगार हम तमाम मौला के चाहने वालों को हमेशा इसी तरह से खुशियाँ मनानी नसीब हों और एक प्लेटफॉर्म पर हमेशा जमा होना इसी तरह से नसीब हो। सबसे पहले अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करती हूँ कि उस मालिक ने, उस रब ने हमें कुव्वत गोयाई दी है और हमें दूसरे ये कि उस अजीम दर से वाबस्ता करके और उस जिक्र को करने के लिए वो कुव्वत हमारी ज़बान में बख्शी कि हम मदहे मोहम्मद व आले मोहम्मद में हमेशा मसरूफ़ रहते हैं, हमेशा महव रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा के दीन को, नबूवत को और विलायत को, खुदा के दीन को, नबूवत को और विलायत को बचाने फर्श जमी पर हैं आ गई ज़हरा। जनाब सैयदा की आमद की मुबारकबाद आप तमाम की जानिब से, अपनी जानिब से, अपनी टीम की जानिब से, अपने वक्त के इमाम साहिबुल असर व ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करती हूँ। पिछला प्रोग्राम हमारा जनाब सैयदा बहैसियत बेटी के हमने आपके समातों की नज़र किया था और ये प्रोग्राम जो हमारी दूसरी नशिस्त है वो है हमारे जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के उस रिश्ते के हवाले से। या मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि आज हम बात करेंगे उस हसीन रिश्ते की, उस हसीन ताल्लुक़ की कि अगर परवरदिगार उस रिश्ते को ना बनाता तो इस कायनात में, इस दुनिया में पाकीज़गी और हुसन ना होता, रानाई ना होती, मोहब्बत ना होती, और वो रिश्ता है एक शौहर और ज़ौजा का। और कायनात में सबसे बेहतरीन शौहर, सबसे बेहतरीन ज़ौजा जो है वो मौला मुश्किल को शाय कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम और जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा है। परवरदिगार ने ये वो रिश्ता है, फ़कत वाहिद 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 ये वो रिश्ता है कि जिसके सदक़े में परवरदिगार ने कायनात में शायद इन रिश्तों को सजाया है। ये वो रिश्ता है कि जिसका अक्त जनाब एक मरतबा इस दुनिया में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाह पढ़वाया और इसका, इससे पहले ये जनाब सैयदा तो निसाइल आलमीन और मौला मुश्किल कुशाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का अक्त मुबारक अर्श पे परवरदिगार ने खुद पढ़ाया था। हमारे साथ आज इस बज़्म को सजाने के लिए मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी, हमारी बहुत ही अजीज़, हमारी बहुत ही बेहतरीन ज़ाकरा मोहतरमा महरीन हसन साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महरीन आपा, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपने पिछले प्रोग्राम में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात, एक बेटी के हवाले से उसकी आपने जो है हमें वजाहत की थी, ये प्रोग्राम हमने शहज़ादी कौनैन की एक और सिफ्त के साथ इसको हमने रंग बख्शा है और वो है ज़ौजा। बहैसियत ज़ौजा जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कैसी थी, यानी शहज़ादी कौनैन वो मलिका के जो अपने शौहर का, जो कुल्ले ईमान शौहर था उसका निस्फ ईमान करार पाई, तो शहज़ादी कौनैन ने बहैसियत ज़ौजा की ऐसी कौन सी जो है वो खिदमात अंजाम दी कि शहज़ादी कौनैन जो है उनको बहैसियत ज़ौजा इतना बुलंद मकाम दिया परवरदिगार ने। रबाब कमल, बहुत बेहतरीन आपके सवालात इस अंदाज से सामने आ रहे हैं कि जो मौजूदा दौर की इंतहाई ज़रूरत है कि इस हसीन और खूबसूरत रिश्ते के हवाले से जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, शायर की ज़बानी, फहमो ख्याल फ़िक्र से बाला है फ़ातिमा, रहती अली के घर में है आला है फ़ातिमा। बेशक बेशक, ज़ेरे किसा खुदा से तारुफ़ तो सुन ज़रा, ज़ेरे किसा खुदा से तारुफ़ तो सुन ज़रा, हद है कि मुस्तफ़ा का हवाला है फ़ातिमा। बेशक बेशक बेशक। और फिर
कहने वाले ने क्या खूब जुमला कहा है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। बेशक बेशक बेशक, ये वो हसीन रिश्ता मर्द और जन का है कि जिसके बगैर कायनात में रंग ही नहीं है। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पैगम्बर खुदा की बेटी थी और अपने जमाने की मुमताज तरीन खवातीन में से थी। जमाल ज़ाहरी और रूहानी कमालात और इखलाक आपके अपने माँ बाप आपने अपने माँ बाप से विरसे में पाए थे। मलिकतुल अरब जैसी माँ और रहमतुल आलमीन रसूल खुदा जैसा बाप, तो फिर बीबी फातिमा के लिए परवरदिगार आलम ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को चुना। बेशक बेशक। फिर जनाब रिसालत इमाम, जैसे कि आपने कहा कि अर्श पर ये अक्त हुआ, पहला अक्त अर्श पर, फिर रूए जमीन पर। लेकिन यहाँ मैं ये जुमला और ऐड कर दूँ आपके इस गुफ्तगू के हवाले से कि जनाब रिसालत इमाम ने फरमाया कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कुफ ना होता। बेशक, बेशक बेशक। तो ये एक बहुत ही मैं ये समझती हूँ कि नाजुक तरीन मरहला है जोजा और शोहर का। और फिर इसमें यानी जिस सिन में जनाब सैयदतुन्निसा आलमीन रसूल के घर से, बाप के घर से अली के घर में तशरीफ लाती हैं और फिर हमारी निगाहों के सामने वो तमाम तर वाकयात आते हैं कि अगर आप ये कहें कि किस अंदाज से रुखसत किया है तो फिर मेरी निगाहों के सामने जहेज की तफसील आ जाती। यही 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 रुक जाइए। कुल नज़्म कायनात है जहरा के हाथ में, शेरे खुदा का हाथ है जहरा के हाथ में। मेरा दिल चाहता है कि इस वक्त, क्योंकि आपने जहेज, तो मुझे जहन में वो बड़ा एक खूबसूरत सवाल बेसाख्ता मेरे जहन में आया कि आज के दौर में जहेज दिया जाता है बहुत शान के साथ, क्या क्या तफसील होती है, क्या क्या फहरिस्त होती है, हम आज के दौर की बात कर रहे हैं, लेकिन जौजा बनते वक्त ये नहीं बताया जाता कि अपने शौहर के घर जा रही हो तो किस तरह से तुम्हें उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। यही मैं सवाल लेकर मेरी नापा आपकी तरफ आऊँगी कि जिस वक्त रसूलुल्लाह के घर से शहजादी कौनैन रुख्सत होकर अपने शौहर अली मुर्तज़ा के घर पहुँची हैं, उस वक्त मेरे प्यारे नबी ने आपको जो तोहफे दिए, आपको जो जहेज, जिसको हम आज के दौर में जहेज कहते हैं, मैं कहूंगी कि वो एक रहमतुल्लिल आलमीन ने अपनी बेटी को तोहफे अता किए, वो तोहफों की फहरिस्त बताइएगा। आज मैं चाहूंगी कि वो फहरिस्त इसलिए बताइए क्योंकि ये दुनिया भी, हाँ, जो नहीं जानते वो भी जाने कि शहजादी कौन है, आखिर कायनात की मलिका ऐसी कौन सी नेमत लेकर अपने बाबा के घर से तोहफा तनाई थी। और मैं इसमें एक जुमले का और इजाफा कर दूं कि आज के दौर में वो नाआकिबत अंदेश वालिदैन कि जो इस जहेज की लानत में गिरफ्तार हैं और अपने आप को तन मन धन की बाजी लगा के जो भी डिमांड लड़के वालों की तरफ से हो उसको पूरा करने की सही कोशिश, ऐसा जहेज वैसा जहेज, जहेज में फला गाड़ी फला घड़ी फला फला फला, तो वो तमाम तर चीजों के पीछे पागल हुए हुए हैं, जबकि मेरी आपकी निगाहों के सामने सरदार सरवर कायनात का किरदार मौजूद है। बेशक, रुक जाइए। जिस वक्त हम कहते हैं कि हम जनाब सैयदा के चाहने वाले हैं, जिस वक्त हम कहते हैं कि हम मौला मुश्किल कुशा कायनात के चाहने वाले हैं, तो आप ये तो देखिए कि आप जिसके घर से बेटी लेने के लिए जा रहे हैं आप उससे तलब क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये फहरिस्त हमें आप मेरी नापा बताइए। इस फहरिस्त में एक सफेद कुर्ता लिखा हुआ है, एक बड़ी चादर लिखा हुआ है, एक जोड़ा कपड़ा लिखा हुआ है, एक पलंग लिखा है, दो तकिए, चार अदद बिस्तर, एक चटाई, एक हाथ की चक्की। देखिए इस चक्की का तस्करा तो बहुत आएगा, मैं आगे चल के जिक्र करूंगी। फिर एक प्याला, एक मश्क, एक थाल, दूध का एक बर्तन, पानी पीने का एक मिट्टी का प्याला, एक पर्दा, एक आफ्ताबा, मिट्टी का एक लोटा, एक खाल बिछाने के लिए, एक अबा। ये सामान जब हुजूर की खिदमत में पेश किया गया था आपने फरमाया ए अल्लाह ये शादी इनके लिए मुबारक फरमा जिनके अक्सर बर्तन मिट्टी के हैं। कितनी प्यारी दुआ की थी कि आज के दौर में है कोई ऐसे माँ बाप, आज के दौर में है कोई ऐसी बेटी कि इस अस्वे हुस्ना पर अमल करे, हमारे कौल और फेल में इंतहाई तजाद नजर आते। बेशक बेशक। और फिर हक़े मेहर की जब बात आती है उस दौर के हिसाब से जनाब रिसालत इमाम ने हक़े मेहर 10 दिरहम से कम और 50 दिरहम से ज्यादा ना हो तो कहा मुनासिब है। और फिर रसूल अकरम ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है कि जिसका हुस्न ज्यादा और हक़े मेहर कम हो। हुस्न कौन सा? हुस्न सीरत। लेकिन आज के दौर के मुताबिक मौला के चाहने वाले ही जो अक्सर रसूमात पर शादियों के मौके पर जो हक़े महर रखवाया करते हैं, तो आप उसकी भी रकम का ज़रा अंदाज़ा करके बता दीजिए कुछ। देखिए आज के तो हक़े महर की कोई लिमिट है ही नहीं।
आउट ऑफ लिमिट है। और फिर अब तो उसमें सोना चांदी और बहुत कुछ शामिल है, बहुत कुछ शामिल है रबाब। और फिर मौलाए कायनात ने कहा, फरमाया कि मेहर संगीन ना रखा जाए, यानी वो जो आज के दौर की बात हो रही है ना कि इतना हो और उतना हो और इतना लाख और उतना लाख और ये तोना तोले सोना और इतना इतना, वो एक मकदार बता दी जाती है मेहर की, कि अगर आप देखें कि जिस लड़के से आपकी बेटी की शादी हो रही है आया वो साहिब इस्तेदात है कि नहीं है, और साहिब इस्तेदात होने के साथ साथ हमारी निगाहों के सामने रिसालत इमाम का किरदार है, ये कैसा हक़ मेहर रखा है। हर दौर के एक मुतवस्सत तबके के इंसान के रेंज में है, उसकी पहुंच में है कि वो इस हक़ मेहर को अदा कर सके। और फिर मौला अली ने कहा मेहर संगीन ना रखा जाए क्योंकि ये दुश्मनी का बायस बनता है। और फिर मेरे आठवें इमाम बाबुल हवाई इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रसूल अकरम के सामने ऐसी शादियां भी हुई हैं जिनमें औरतों का हक़ मेहर एक सूरे की तालीम या एक दरहम या एक मुट्ठी भर गंदम हुआ था। तो जब ऐसे किरदार हमारे आपकी निगाहों के सामने हो तो फिर जहेज की लानत में क्यों गिरफ्तार होते हैं। बेशक। और फिर जब मौलाए कायनात के घर में जनाबे सैयदतुन्निसा आलमीन तशरीफ ला रही है तो बेटी को रुखसत करते वक्त एक बहुत प्यारा जुमला बाप ने कहा था, बहैसियत बाप के अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त, जाहिर है कि बेटियां बाप के घर की रौनक होती हैं, बेटियां रहमत होती हैं, और जब अपनी बेटियों को अपने जिगर के टुकड़े को दूसरे के हवाले करते हो तो बहुत मुश्किल वक्त होता है, लेकिन जनाब रिसालत माँ किस अंदाज से बेटी को रुखसत करें, एक जुमला कहा था बेटी के कान में, और वो जुमला क्या था कि बेटी शौहर के घर तो जा रही हो लेकिन याद रखना कभी कोई फरमाइश ना करना अपने शौहर से, ऐसा ना हो कि तुम फरमाइश करो और तुम्हारा शौहर मजबूर हो जाए। है कोई बाप आज के दौर में, आज की दुनिया में ऐसा है कोई ऐसा जुर्रत और हिम्मत रखने वाला? यहाँ तो कहा यह जाता है कि तुर्की बतुर्की एक की दस सुनाओ, और अगर जरा कोई बात हुई माँ को बेटी ने फोन किया और माँ बड़ी तड़प गई, कहा बेटी को घर ले आओ। ये कैसी हमारी मोहब्बत है, ये कैसे फिर हम दावा करते हैं कि हम सैयदा के मानने वाले हैं, फिर हम दावा करते हैं कि हम मौला मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं, और फिर हम ये कह रहे हैं कि किस तरह से अली के घर में जनाबे सैयदा ने कहा। तो वो बीबी जो सैयदतुन्निसा आलमीन है, जो रसूल की अकलौती बेटी है, घर के सहन में उसे चक्की चलाते हुए भी देखा गया। सुभान अल्लाह, सुभान, घर के सहन में बच्चे गोदी में है और देखा गया है कि बीबी चक्की चला रही है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जब बीबी इन तमाम कामों में मसरूफ है और फिर शहजादी दो आलम की आंख झपक जाती है तो सख्त मलाइका आसमान जाने भी परवरदिगार नाज़िल होते हैं और चक्की भी चलती दिखाई दे रही है और बच्चों का झूला भी हिल रहा है। ये वो अजमत किरदार है, ये वो बुलंदी किरदार है जो अली के घर में बहसियत जौजा के आने के बाद हमें नजर आती। और फिर घर के काम करती हैं और किस मेहनत के साथ, किस मोहब्बत के साथ, किस लगन के साथ, जानती हैं कि मर्द व जन गाड़ी के दो पहिए हैं। ये किरदार माशी के दो वो बुलंद तरीन किरदार हैं कि कहीं पर ये एक जुमला कि देखिए जितने भी कायनात में चरिंद परिंद और दूसरे मखलूक के बच्चे पैदा होते हैं तो आप ये देखिए कि मछली का बच्चा अंडे से निकला और पानी में फौरन तैरने लगा, जी जरूरत नहीं उसको तैरना सिखाने के लिए। फिर चिड़िया का बच्चा अंडे से निकला, परे परवाज उसको परवरदिगार ने अता किया, बेशक वो बेशक लगा जमीन पे, इसी तरह दूसरे कीड़े रेंगने लगे। लेकिन क्या वजह है कि इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो रोना उसकी जिंदगी की अलामत समझा जाता है। तो आप ये बताइए रोना जिंदगी की अलामत क्यों रखा परवरदिगार? इतना कमजोर बनाया है इंसान के बच्चे को, और जितनी मखलूक है उनके बच्चे इतने मजबूत बना दिए परवरदिगार ने कि परे परवाज अता कर दिए, पैदा होते ही चिड़िया के बच्चे ये परिंदों के बच्चे परे परवाज के जरिए उड़ने लगे, मछली का बच्चा तैरने लगा, कोई सिखाने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ क्या वजह है कि बच्चा पैदा हुआ तो रोने लगा? इसकी एक वजह खालिक ने रखी। बच्चा जब तक रोए नहीं माँ को कैसा पता चलेगा कि बच्चा भूखा है? वो माँ के पास जो फितरी ज़खीरा ग़िज़ा है माँ उसको देती है, और जब बच्चा रोएगा तो माँ की ममता ठहर जाएगी बच्चे की रोने की आवाज़। गहवारे में बच्चा है, बच्चे ने गिरिया किया, माँ फौरन पलट के आ गई, इधर माँ रुकी उधर माँ के साथ साथ बाप पलट के आ गया और बच्चे को अपने साये तरबियत साये आफियत में ले लिया। तो परवरदिगार ने उसकी मसलहत थी रबाब कि इंसान के बच्चे को कमजोर बनाया, कमजोर इसलिए बनाया कि माँ की ममता औरत के गिरिए बच्चे के गिरिए पर ठहर जाएगी और माँ रुकेगी तो बाप रुकेगा और माँ और बाप दोनों मिलकर अपने साये आफियत में इस बच्चे की तरबियत करेंगे और ऐसी तरबियत करेंगे कि परवरदिगार ये चाहता है कि बेहतरीन माशरा इंसानियत के हवाले से। और यही जनाबे सैयदा ने अली के घर में आके बहसियत जौजा के ये पैगाम दिया। और चक्की पीसते पीसते हाथ लहूलुहान हुए, जाबिर ने एक मरतबा देखा था जाबिर बिन अब्दुल अंसारी ने, ये चक्की का दस्ता लहू से
तरह तो आए थे जनाब रिसालत इमाम आपके पास, कहा आपकी लखते दिल पारे जिगर के हाथों का ताजा लहू अभी चक्की के दस्ते में देखा है। बीबी घर के अंदर चली गई थी और जब देख के आए थे तो तड़प उठे थे। तो मैं ये समझती हूँ कि क्या रसूल के पहलू में वो दिल न था कि अपनी बेटी को रोज चक्की पीसते देखा करते थे? रसूल नहीं जानते थे, मगर नहीं अज़ीज़ाने ग्रामी, जनाब रिसालत इमाम को तो अपनी बेटी के किरदार को उस मंजिल और उस मकाम पर ले जाना था कि जब उम्मत की चाहने वाली हर बीबी के लिए नमूने अमल मेरी बेटी का किरदार हो, जब वो घर के ये कामकाज अपने हाथों से कर रही हो, खा छाले पड़ गए हो, लहू लहान हो, तो फख्र महसूस करे इस सआदत को अंजाम देते हुए कि मैं वो खिदमत अंजाम दे रही हूँ। शौहर के घर में बच्चों की खिदमत है, घर की देखभाल है, कि जो मेरी बीबी पाक अंजाम दिया करती थी। और फिर हम ये देखते हैं कि कनीज का एक सवाल होता है, वो जो रिवायत आपने सुनी होगी, फिर जनाबे मौलाए कायनात से जनाबे रिसालत इमाम ने कहा था कि जाओ फातिमा से कहो कि वो कनीज लेंगी या एक तस्बीह ऐसी जो मलाके आसमान को पसंद है, जो अर्शे इलाही पे पड़ी जाती है, वो तस्बीह फातिमतुज़्ज़हरा। सामईन, आज हर नमाज की ताकीद में हर इंसान, हर मुसलमान जो नमाज पढ़ता है तो वो इस तस्बीह फातिमा जहरा को अदा करता है। क्या मर्तबा है इस बीबी की तस्बीह का कि हम इस तस्बीह को नमाज की ताकीबात में दिन में 5 मर्तबा दुनिया के कोने कोने में, कहीं सुबह को नमाज, कहीं शाम को नमाज, कहीं रात को नमाज, कोई लम्हा ऐसा खाली नहीं जब हमने सनाओ पर वर्तिकार हो और ताकीबात नमाज में यही तस्बीह फातिमा का जिक्र ना। मैं एक और टेक्निकल आपके सामने बयान कर दूं कि तस्बीह फातिमा जहरा के मुतालिक किसी कहने वाले ने ये कहा कि बीबी हाथों की पोर पर तस्बीह पढ़ा करती थी। ये बाद में लकड़ी के खजूर के दाने हुए। तो हाथों की पोर पे तस्बीह पढ़ने के माने क्या है कि उंगलियों की एक्सरसाइज, ये जो अर्थराइटिस जोड़ों का है वो, उसको उन्होंने कहा कि दूर हो गया मेरा इस तस्बीह पढ़ने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बेहतरीन गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा और तस्बीह जनाब सैयदा तो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तक बात आ ही गई है। तो हम इसकी करामात ब्रेक के बाद मालूम करते हैं कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की वो तस्बीह जो उनको उनके बाबा ने तोहफा दिया था परवरदिगार के हुक्म से, उसकी क्या क्या करामात है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरज। एक बार फिर आपको हम अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जिक्र कर रहे हैं हम हक़ ज़ौजियत के हवाले से, लेकिन प्रोग्राम में ब्रेक पे जाने से पहले महरीन आपा हमें तस्बीह जनाब सैयदा के बारे में बता रही थी और मैंने कहा था कि हम इसके करामात के बारे में आपसे वक्फे के बाद जिक्र करेंगे। सो मैं अपना सवाल दोबारा लेकर महरीन आपा की तरफ जाती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि वो तस्बीह जो उनके बाबा ने उनको तोहफ़तन अता की थी, जो हर नमाज में वाजिब करार पाई, तस्बीह जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की क्या क्या करामात और मौजज़ात हैं? बहुत शुक्रिया रबाब। तस्बीह जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हम ये जानते हैं कि हर नमाज की ताकीबात में पढ़ी जाती हैं। और फिर यहाँ तक कहा गया कि ज़ाहिर है कि मालिक की खालिक की रज़ा के लिए पढ़ते हैं हम, जो भी इबादत कर रहे हैं उसकी बारगाह में दिन में पंजगाना नमाज अदा कर रहे हैं। तो यहाँ इस तस्बीह फातिमा तो ज़हरा फौरन जनाबे सैयदा की तस्बीह बाद ख़त्म वाजिब नमाज पढ़ें और फिर उसके बाद कहा यह गया कि हाथ उठाकर जो भी रब्बे ज़ुलजलाल की बारगाह में आप हाजत करेंगे, जो भी सवाल करेंगे, तो ये कहते हुए कि सैयद कौनैन शहज़ादी दो आलम जनाब फातिमा तो ज़हरा दुख्तर रसूल खुदा की इस तस्बीह का वास्ता कि जो जानिब परवरदिगार बीबी को तोहफे में जनाब रिसालत इमाम ने अता की थी, जिसे मलाइका आसमान पढ़ा करते थे आसमानों पर और बीबी ने रुए ज़मीन पर इस तस्बीह को पढ़ा, तो फिर हम अपनी हाजत बराने की क्यों ना इस तस्बीह को इस्तेमाल करें। और फिर यहाँ तक लोगों ने कहा कि जैसे रोमो अर्थराइटिस है, ये जो छोटा छोटे जोड़ होते हैं हाथ की उंगलियों के, तो कहा कि बीबी तस्बीह अपनी उंगलियों की पोरों पर पढ़ा करती थी। और जब उंगलियों के पोरों पर पढ़ते हैं तो ये हाथ में हरकत होती है और हर जोड़ आपका इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, हर जॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है। तो किसी कहने वाले ने कहा कि मेरे तो इतनी तकलीफ थी ये छोटे जोड़ों में और जब मैंने तस्बीह फातिमा, किसी ने मुझसे कहा कि इस तस्बीह को अपने हाथों पे बीबी की तासीन में, बीबी के अमल की पैरवी में पढ़ो, तो उन्होंने जब पढ़ना शुरू किया तो उनका कहना यह कि 100% मेरे लिए तो एक ये शिफा का बायस बन गई। और इस तरह शिफा का बायस बन गई कि एक जानिब तो तस्बीह खुद शिफा है कि जो हाजिब तलब करो, लेकिन उनको जो तकलीफ थी उनकी तकलीफ दूर हो गई। तो क्या करामत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये है कि खलूस दिल से, खलूस नियत से, बावजू होकर अगर इस अकीदे और इस ईमान के साथ पढ़ा जाए कि ये वाकई
वो इसमें आजम है परवरदिगार ने जो अता किया जनाब सैयदा को, इसमें कोई कमी नहीं है, इसको उसी खलूस नियत से पढ़े जाए, अगर पढ़ा जाए तो यकीनन ये असर अपना दिखाती है। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जब अपने पापा के घर से रुखसत होकर आईं तो मौला मुश्किल कुशाए कायनात में, चूंकि तालबे इल्म हूँ और तालबे इल्मी के ही हवाले से मैं इनसे सवाल कर रही हूँ कि शहजादी कौन है, जब तशरीफ लाई उन्होंने उनके बाबा ने उनसे फरमाया कि जहरा अली से कभी कोई फरमाइश न करना, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जिंदगी में सिर्फ एक फरमाइश की, और मैं चाहूंगी कि आप वो फरमाइश हमारे उन सामईन को जरूर जो है उनकी समातों की नजर कीजिए जो हमें देख रहे हैं। देखिए रबाब, एक तो ये मैसेज जनाब रिसालत माब की इस बेटी की रुखसती के वक्त ये जुमला कहना कि कभी शोहर के घर जा रही हो लेकिन फरमाइश न करना, आज के दौर की हर बेटी के लिए, हर बेटी के लिए जिंदा मिसाल ये वो मिसाल है ता कयामत कि हम बड़े दावे करते हैं मोहब्बत के, लेकिन अगर सच्ची मोहब्बत है तो बीबी के हुस्ने किरदार को इस इतना मजबूत बना दीजिए, इस अंदाज से बना दीजिए कि जबान से कुछ कहना ही ना पड़े। ये रिश्ता तो इतना मिसाली रिश्ता है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता है कि एक दूसरे को इस अंदाज से मर्द वजन समझने लगते हैं कि बगैर कहे वो हर हाजत को, हर ख्वाहिश को, हर बात को एक दूसरे की समझते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आज के दौर में इख्तलाफात भी इसी अंदाज से पैदा हो रहे हैं कि फरमाइशें ही नहीं खत्म होती। बेगम साहिबा के शौहर थका हारा घर में आया और उन्होंने फरमाइश शुरू कर दी। ये आज के दौर का बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे हम बेटियों को जिस जेवर तालीम से आरास्ता करें उसमें एक मेन चीज ये है कि जब शौहर के घर जाओ तो अपना किरदार दिखाओ, माँ ने जो तरबियत तुम्हें दी। और फिर कहते यही है कि वो जौहर जो बेटी के अंदर होते हैं माँ की तरबियत का असर शौहर के घर जाके जाहिर होता है। तो तमाम जिंदगी जितनी मुद्दत 18 बरस का कुल सीन है और 9 बरस में अख्त होके बीबी, तारीख जो बताती है बीबी अली के घर तशरीफ लाई है, तो इस मुख्तसर सी मुद्दत में बाबा की जो नसीहत थी वो बीबी के जेरे निगाह थी, कभी भी फरमाइश नहीं की। लेकिन एक मौका जिंदगी में ऐसा है रबाब कि जब बीबी बीमार पड़ी और जोफे बदन गालिब आया, और फिर उस वक्त जनाब रिसालत मौलाए कौनैन अली इब्ने अबी तालिब जब घर के अंदर तशरीफ लाए हैं तो बीबी ने ये कहा था कि अनार खाने का दिल चाहे, वो बड़ा मशहूर वाकया है, मैं इतनी तफसील में इस वक्त नहीं जाऊंगी, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। उधर अली ने सुना और उधर अली का दिल गोया खुशी से बाग बाग हो गया कि पहली मरतबा अली के घर आने के बाद पहली मरतबा बहसियत जौजा के कोई फरमाइश भी नहीं की है, और वो फरमाइश भी क्या है कि अनार खाने का दिल चाहे। और अनार का कहते ही है कि कोई एक दाना अनार जो है समरे बहिष्ट कहलाता है, कोई एक दाना जन्नत का मेवा होता है। तो मौलाए कायनात फौरन, जाहिर है कि अली जैसा शोहर हो और फातिमा जैसी जौजा और पहली मरतबा कोई फरमाइश की हो जिंदगी में अली के घर में आने के बाद, तो बाहर गए और फल फरोश के पास से फल लिए हैं और अनार लिए हैं, और अनार लेने के बाद जब अली घर की तरफ वापस तशरीफ ला रहे हैं तो वाकया ये बयान होता है कि वहाँ पे एक साहिल आया, जरूरतमंद आया, और उसने कहा कि मेरे घर में मेरे जौजा बीमार है और किस तरह से उसे किस ताकत की जरूरत है और मैं अनार मेरे अंदर इतनी सकत नहीं, इतनी हैसियत नहीं। तो फौरन तमाम तमाम अनार मौलाए कायनात उस साहिल के, उस शख्स के जो जरूरतमंद था, और मौला समझते हैं कि फातिमा तो जहरा मेरी जौजा से ज्यादा इसकी जौजा को जरूरत है कि जो नहीं फुनाना। और फिर वो अनार दे के जब खाली हाथ अली लौट रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ अली दिल में ना जाने क्या क्या सोच रहे होंगे, और जब घर का दरवाजा खुला है बेशक और डेवड़ी से घर के सहन में मेरे मौला दाखिल हुए हैं तो क्या देखा था कि शहजादी कौनैन बिस्तर पर है और घर के सहन में तख्त पर अनार से भरा हुआ एक थाल मौजूद। सुभान अल्लाह, तो ये वो करामात हैं, ये वो करामात हैं बहसियत जौजा के, बहसियत शोहर के, अमीरुल मोमिनीन शोहर हो तो ऐसा, जौजा हो तो ऐसी, ये किस अंदाज से परवरदिगार आलम इन दोनों को अपने अपने मुकाम पर, वहां उनकी पहली ख्वाहिश थी और यहाँ इनकी सही कोशिश ये थी कि मैं पूरी कर सकूं अपनी जौजा की ख्वाहिश को, तो रब्बे जुलजलाल नहीं चाहता था फातिमा सैयदतुन निसाइल आलमीन और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब दोनों रंजीदा मनूनों। लिहाजा इस वाकये ने हमें यह सबक दिया है कि कोई भी खातून खातून खाना जब शोहर के घर में जाए तो इतनी खुशदिली से अपने घर में मगन हो जाए, अपने शोहर और बच्चों की खिदमत में मगन हो जाए कि जो उसका जेवर करार पाए। बस मैं यही चाहती हूँ कि हम अपने प्रोग्राम को इस वक्त इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे, दामन वक्त में वाकई गुंजाइश नहीं है, इंशाल्लाह आपसे फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि मेरी नापा जाते जाते आप जनाब सैयदा और मौला मुश्किल कुशाए कायनात अली इब्ने तालिब अलैहि सलाम की जिंदगी को देखते हुए उन तमाम जोड़ों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो अभी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कदम रखने वाले हैं इस हवाले से।
देखिए ये तो कायनात का हसीन तरीन जोड़ा है, बेनजीर जोड़ा है, बेमिसाल जोड़ा है, जिसकी कहीं मिसाल मिलती नहीं। लेकिन फिर भी हम उनके मानने वाले अपने दायरे में रहते हुए सही कोशिश जरूर कर सकते हैं। और बड़ी खुशी होती है इस हवाले से मुझे देखकर के आज के दौर में जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, अब बहुत से ऐसे, आपने भी सुना होगा, आपके भी इल्म में जरूर होगा और सामईन के इल्म में भी होगा, कि जो ये कहते हैं कि शादी के बाद हम कहीं तफरीक और सैर के लिए नहीं जाएंगे, और कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि हक़ मेहर मुझे हज करा दीजिए। ये भी आपने सुना होगा। और फिर कुछ जोड़े ऐसे हैं कि जो प्लान करते हैं कि ज़ियारत पर मकाम मुकद्दसा चले जाए। इससे बेहतर तो कोई और इस अज़दवाजी जिंदगी की इब्तिदा का करने का तरीका हो ही नहीं सकता कि जो हम अली और फातिमा के हवाले से, उस घर के हवाले से जो कायनात का मिसाली घराना था, उस घर के हवाले से जब हम देखते हैं तो किस तरह से आज के दौर की बच्चियां और बच्चे अपने लिए फ्यूचर की प्लानिंग करें और इब्तिदा करें, तो कभी खुदा के घर में जाए, कभी मौला के घर में जाए, कभी हसन हुसैन के घर में जाए, कभी इन मकामात मुकद्दसा पर शायख खुरासान के घर चले जाए। बेशक माशाल्लाह, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने आज हमारे इस मौजू को बहुत वाज़ेह तरीके से और बेहतरीन तरीके से आपकी समातों की नज़र किया। मालूमात सबके पास है, वाकयात सब जानते हैं, लेकिन असल मकसद हमारा ये होता है कि उन वाकयात को सिर्फ एक हल्का सा, उसको अपने जहनों के ऊपर जो एक, जिसको कहते हैं एक डस्ट होती है, वो उसको झाड़ते हुए उन वाकयात को सिर्फ एक नज़र देखते चले जाएं। क्या पता किस वक्त, कहाँ, किस लम्हे आपके जहन में या आपके दिल पे कोई बात असर कर जाए, क्योंकि हम जनाब सैयदा के मानने वाले हैं, हम पर लाजिम है कि हम उन्हीं की तरह ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सैयदा ताहिरा मर्ज़ी है।